वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ. सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड टुडेज टॉपिक इज पैंगोंग सो. आज हम यहाँ से बढ़ेंगे. हु हैज़ रिसेंटली अराइव्ड विद हर फादर फ्रॉम अ वैकेशन इन लद्दाख. हर फ्रेंड इज नदीम एंड फातिमा हैव कम टू सी हर एट होम. द चिल्ड्रन आर टॉकिंग इन द गार्डन वाइल हूज़ फादर इज बिजी with the flower beds. He is within hearing distance. Who do you remember the movie Three Idiots? Fatima, yes. Nadeem, all is well. Who in the last scene there is a lake. Yes or no? Nadeem, yes. Fatima, it is beautiful, big with long sandy shores. It changes its color from green to blue and vice versa. I would love to go there. Who we went there. It is the ping pong lake in Ladakh. Nadeem laughs. Ping pong, that means table tennis. Hoor to her father, Papa, see what Nadeem is saying. Hoor's father approaching. I heard him. He's right. Fatima, uncle, what is the Three Idiots lake called then? Hoor's father, it is called the Pangong lake. Fatima, Pangong, what name is that? Hoor's father, it means a very long curve. प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने इस सबक के बारे में पढ़ा, दरअसल ये सबक माहौल के बारे में है. इसमें कुदरती खूबसूरती को बयान किया गया है. इसमें लद्दाख के एक झील पैंगोंग के बारे में ज़िक्र किया गया है. हूर और उसके अब्बा हाल ही में लद्दाख से छुट्टियां मना कर आए हैं. हूर के दोस्त फातिमा और नदीम उनको देखने उनके घर आए हैं. तो हूर उनको अपने सफ़र के बारे में बोलती है और कहती है कि वहाँ मैं वही झील है जो थ्री इडियट्स फिल्म के आखिरी मंजर में दिखाती है और उसका नाम पिंग पोंग. लेकिन उसके अब्बा उनको बोलते हैं कि ये पिंग पोंग नहीं, पैंगोंग झील है, जिसका मतलब है लंबा मोड़. फिर हूर के अब्बा उन बच्चों को उस झील के बारे में बताते हैं. और अब हम इसको आने वाले वीडियो या ऑडियो लेक्चर में पढ़ेंगे. खुदा हाफिज़.